कुकिंग में आज हम बनाएंगे एक स्पेशल रेसिपी, डोरेमोन का फेवरेट, बच्चों का फेवरेट डोरा केक। वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राणा। डोरा केक मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और इसमें मैंने यूज किया है एक स्पेशल होममेड कंडेंस्ड मिल्क, जो कि मैंने घर पे बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगले वीडियो में हम इसकी रेसिपी देखेंगे, लेकिन आज बनाते हैं डोरा केक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, मैंने इस कप के नाप से लिया है। उसके बाद हमें चाहिए चीनी, चीनी अपने स्वाद के अनुसार, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी डाली है। पाउडर कर लिया था मैंने इसको, मिक्सी में से निकाल लिया था। इसके बाद हमें चाहिए मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क, मैं यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रही हूँ। ये मैंने घर पर ही तैयार किया है इसको, कंडेंस्ड मिल्क को, और आगे आने वाले दिनों में मैं इसकी रेसिपी भी बनाऊंगी। तो ऐड करते हैं कंडेंस्ड मिल्क। इसकी जगह पे आप मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे हम 1 चम्मच शहद, शहद ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर, वेनिला एसेंस या कोई भी एसेंस आप यूज कर सकते हैं, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। हमें चाहिए बेकिंग सोडा, मीठा सोडा 1/2 टीस्पून, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। कंडेंस्ड मिल्क में भी काफी चीनी होती है, इसलिए हमने चीनी थोड़ी ऐड की है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क, दूध ऐड करेंगे। मिल्क हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट बैटर हमने बनाना है, कोई भी लम्प्स इसमें नहीं रहना चाहिए, इतना ध्यान रहे। थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। बैटर हमने बना लिया है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, फ्लोई होना चाहिए, बिल्कुल भी लम्स इसमें होना नहीं चाहिए। तो बैटर रेडी है, तो बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले तेल ऐड कर देंगे पैन में और गैस को जला लेंगे। ऑयल को हमने इस तरीके से फैला देना है और अच्छे से पोंछ लेना है, और एक ही बार हमने ऑयल को ऐड करना है। इसमें सारे हमारे पैनकेक बन जाएंगे, डोरा केक बन जाएंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे। गैस को बिल्कुल लो मीडियम लो फ्लेम पे रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बैटर, बैटर को बिल्कुल सेंटर में ऐड करना है, इधर उधर नहीं फैलाना है। सेंटर में ऐड करेंगे, अपने आप ही ये गोल शेप लेता जाएगा। जितने बड़े साइज के हमें डोरा केक चाहिए उतने साइज का हमने कप लेना है। देखिए बिल्कुल गोल फैल रहा है ये। अब इसको हम
30 से 40 सेकेंड के लिए ढक देंगे। देखिए डोरा केक पकने लगा है और इस पे बबल्स उठने लगे हैं, बबल्स उठने लगे हैं इस तरीके से। ढक देंगे दोबारा से, चेक कर लेते हैं सब तरफ से, इसको इस तरीके से हम छुड़ाते जाएंगे। इसको पलट देते हैं। वाओ कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब इसको दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे। फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे, दोबारा ढक देंगे इसको। चेक कर लेते हैं दूसरी साइड को, इस साइड से भी अच्छे से पक गया है, इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने काफी सारे डोरा केक बना लिए हैं। इतने बैटर में 4 डोरा केक बने हैं। देखिए कितने अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इस पे स्प्रेड कर देते हैं न्यूटेला, कोई भी चॉकलेट स्प्रेड आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप वो यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये न्यूटेला है तो इसको ही मैं स्प्रेड कर दूंगी। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसी तरीके से हमने सब पे ये चॉकलेट स्प्रेड कर दिया है। अब इसको हम इस तरीके से रख देंगे और ये हो गए हमारे डोरा केक तैयार। देखिए कितने अच्छे डोरा केक बने हुए हैं और कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। ये दूसरा है। तो डोरा केक हमारे रेडी है। आपको ये रेसिपी, आप भी जरूर अपने बच्चों के लिए डोरा केक बनाइए, देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।